माननीय अरुण सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा सादर अनुरोध है माननीय अरुण जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मोदी सरकार गरीब कल्याण हेतु समर्पित सरकार है और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से सदैव गरीब की चिंता करना वह उनकी प्राथमिकता रही है। लोगों के घर घर पे गैस कनेक्शन पहुंचाना, लोगों को बिजली उपलब्ध हो, टीकाकरण का अभियान लेना, उसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी आई है, लगातार मकान बन रहे हैं, 2 करोड़ से ऊपर अधिक मकान बन चुके हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी योजना जिसमें 50 करोड़ लगभग लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है और मिलना शुरू हो गया है। यह सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब के समर्पित सरकार जैसे मैंने कहा है। और चूंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, वह गरीबों की पीड़ा जानते हैं, गरीबी उन्होंने देखा है, तो गरीबों का दुख दर्द अगर कोई दूर कर सकता है और कर रहे हैं तो वह नरेंद्र मोदी जी। आज सेवा और मोदी 2 पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं हम सबके। प्रधानमंत्री मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस है और इसलिए पार्टी ने पहले की भांति यह निर्णय लिया है कि अपने नेता के जन्मदिवस को हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने और कार्यकारी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने यह इस प्रकार का निर्णय लिया कि सेवा सप्ताह पूरे देश भर में कार्यकर्ता मनाएंगे और उसमें इस सेवा सप्ताह का शुरुआत 14 सितंबर से होगा और 20 सितंबर तक चलेगा। 14 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से, एम्स से, उस नई दिल्ली से उसकी शुरुआत करेंगे। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी रहेंगे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाएंगे और सेवा का कार्य करेंगे। जो वहाँ जनरल वार्ड में मरीज भर्ती हैं उनको फल वितरण करना, उनका हालचाल लेना और उसके साथ स्वच्छता का कार्य काम भी करना। यह अब 14 सितंबर को प्रातः 8 बजे इसकी अभियान की शुरुआत हमारे आदरणीय अमित शाह जी करेंगे। मित्रों, पार्टी ने इस सेवा सप्ताह को बहुत व्यापक रूप में कार्यक्रम की योजना बनाई है। अब इस सेवा सप्ताह में के अंतर्गत ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, जो हेल्थ चेकअप होता उसका कार्य को हाथ में लेना, आंखों की जांच और उसके साथ साथ ऑपरेशन की कैंप लगाना, जो अनाथालय वृद्धाश्रम है वहाँ मरीज और जरूरतमंद जो लोग हैं उनको जाकर के उनकी सहायता करना, फल वितरण करना, यह सेवा का कार्य पूरे 1 हफ्ता चलेगा। इसके साथ जो संकल्प, 3 हमारे संकल्प भी हैं, उन संकल्प को भी लेकर के उसमें भी काम पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। पहला, स्वच्छता अभियान। इस 14 तारीख से 20 तारीख तक विशेष स्वच्छता अभियान भी चलेगा। दूसरा, जो सिंगल यूज प्लास्टिक, इसको पूरी तरीके से संकल्प लेंगे कि इसको हम नहीं उपयोग करेंगे, यह दूसरा। तीसरा, जल संचय, सेव वाटर, यह तीनों सकारात्मक कार्य भी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में इसको लेकर के चलाएंगे। मित्रों, जो दिव्यांग हैं उनकी मदद के लिए, उनके शिक्षा के लिए हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता जो दानदाता हैं या संस्थान हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि आप उनके शिक्षा के लिए
10 से 100 लोगों को पालन पोषण के लिए आप उनकी मदद करें, इस प्रकार का भी अनुरोध हम उनसे करेंगे। यह भी हमारे सेवा के कार्यक्रम में इसको हम लोगों ने इसको जोड़ा हुआ। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कारपोरेटर हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, इन सब से भी यह जाएंगे और एक न एक विद्यालय को जा करके वहाँ कार्यक्रम करेंगी और उन विद्यालयों में यह अनुरोध करेंगी कि एक बार प्रयोग होने वाला जो प्लास्टिक है उनको आप उसका उपयोग समाप्त करें, उसको उपयोग न करें। एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन के रूप में लेके चलेंगी और उसके साथ साथ जल संरक्षण, सेव वाटर, उसकी भी कैंपेन करेंगे। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे यह हम लोग ये अभियान लेके चल रहे हैं। और तीसरा, जैसा मैंने कहा कि स्वच्छता अभियान, इसके साथ साथ क्योंकि जैसा मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जीवन है वह जीवन एक प्रेरणादायक जीवन है। किस प्रकार से समाज के कार्यों में वह संलग्न रहते हैं, इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है, वो लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र होता है। उनके जीवन पे आधारित अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उस प्रदर्शनी में माननीय प्रधानमंत्री जी जब सेवा का काम कर रहे हैं उसको भी दिखाया जाएगा, उसके साथ साथ उनकी उपलब्धियां, सरकार की उपलब्धि भी दिखाई जाएगी, इसको भी उन प्रदर्शनियों में दिखाया जाएगा। उद्देश्य इसका यह है कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, एक बार उनको जो सेवा का कार्य शुरू से कर रहे हैं उसको दिखाने से, उनके जीवन चरित्र को दिखाने से एक मोमेंट खड़ा होगा और उस मोमेंट के माध्यम से सेवा के कार्य में बहुत तेजी आएगी। यह पार्टी ने निर्णय लिया है और हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के निर्देश पे इस प्रकार के कार्यक्रमों का रचना बनी है। और इस कार्यक्रम के कमेटी के अध्यक्ष संयोजक हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना जी हैं और इस कमेटी में अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, श्रीमती सुधा यादव राष्ट्रीय सचिव वह भी इस कमेटी में है और सुनील देवधर राष्ट्रीय सचिव हैं वह भी इस कमेटी में है। और इस कार्यक्रम की अभी तक जो तैयारी हुई है जिला प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे कमेटियां गठित हो चुकी हैं और इस कमेटियों के गठन के साथ साथ लोगों में हर्ष उल्लास है। और स्वस्थ जीवन का यही आधार साफ सफाई का करे व्यवहार, इस अभियान को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शुद्ध पर्यावरण स्लोगन है, शुद्ध पर्यावरण जल संचय जीवन का हो अब यह निश्चय, शुद्ध पर्यावरण जल संचय जीवन का हो अब यह निश्चय। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में कार्यकर्ता, चूंकि करोड़ों कार्यकर्ता लगने वाले हैं, ये बहुत बड़ा मोमेंट खड़ा होगा पूरे देश भर में। शुद्ध पर्यावरण जल संचय जीवन का हो अब यह निश्चय, निश्चय निश्चय, स्वस्थ जीवन का यही आधार साफ सफाई का करे व्यवहार, टू स्लोगन। तो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेवा सप्ताह फ्रॉम 14 सितंबर टू 20 सितंबर अक्रॉस इंडिया बाय ऑल कार्यकर्ता ऑफ आवर पार्टी, एक सप्ताह का। जैसे मैंने कहा कि एक सप्ताह जब करेंगी, एक मंडप में मान लीजिए कि 10 बस्तियां आती है, तो एक दिन मान लीजिए आप हेल्थ चेकअप एक बस्ती में लगाते हैं, अगले दिन हेल्थ चेकअप दूसरे बस्ती में लगा देते हैं, तीसरे दिन तीसरी जगह चले जाते हैं। एक सप्ताह करने से क्या होता है कि आप पूरे एरिया को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं, इसलिए यह सेवा सप्ताह एक हफ्ते तक चलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी के जीवन पर जो प्रदर्शनी लगेगी और जो उनके कार्य पर प्रदर्शनी, सरकार की उपलब्धियों पर जो प्रदर्शनी लगेगी वह भी देखने लायक होगी, अच्छी रहेगी। अलग अलग हर स्थान पे, हर मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे कार्यकर्ता लगाए
और जहां सेवा काम करेंगे वहां भी लगाएंगे। अभी मैं जो इतना बताया आपको, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई साहब कर रहे हैं, पीएम साहब भी कहीं रहेंगे, अब धीरे धीरे सब जानकारी दी जाएगी आपको। यू सभी सभी लोकसभा के सदस्य जिसमें से केंद्रीय मंत्री भी आते हैं अपने अपने क्षेत्र में सेवा का कार्य करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी बोर्ड के सदस्य, सभी चेयरमैन, सभी जिला परिषद के अध्यक्ष, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में व्यापक रूप से सेवा का काम करेंगे और इसको एक न एक स्कूल को भी जा करके वहां पे कार्यक्रम करेंगे, व्यापक जन जागरण करेंगे और सेवा का कार्य करेंगे। सबको आपको धीरे धीरे पता चलेगा।